कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी, सोच रही है। कितनी अजीब बात है ना, आज हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये हमारे दुखों का अंत है या नए तकलीफों की, नए समझौतों की शुरुआत। लेकिन एक बात है ललिता, आज इस छोटे से घर में बच्चों के चेहरे पे कितना सुकून है जो हमारे इतने बड़े घर में मैंने कभी महसूस नहीं किया। भाभी, असलियत में हम इस बात से कहीं ना कहीं खुश हैं। मेरा मतलब है भाभी, जब हम उस बड़े से घर में थे हमारे पास सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में एक दरार पड़ गए थे। माना भाभी कि अब हम इस हालात में हैं, हमसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन हम सब एक साथ हैं, एक परिवार है, एकजुट है। शामिता, मैं जानता हूं अमेरिका में हमारा बिजनेस काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस तरह मुझसे खफा होकर आप इस घर से जाएं। मैं तुमसे खफा नहीं हूं शामिता, बिल्कुल भी नहीं।
नाराजगी है तो सिर्फ वक्त से, जिसने मेरे भाई को एक ऐसे मोड़ का सामना करा दिया जहां से अपने स्वार्थ के अलावा, अपने नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जिस दिन तुझे एहसास होगा ना कि तू गलत है और मैं सही, उस दिन मुझे तला जरूर कर देना। अरे मैं तो अपने शौर्य की उन नजरों को देखना चाहता हूं जिनमें दूसरों के लिए दर्द था, जो दूसरों को समझते थे। हाँ, थोड़ा गुस्से वाला जरूर था लेकिन उसके दिल में सबके लिए प्यार था, ढेर सारा प्यार। मैं तो उस इशारा का साथ निभाना चाहूंगा भाई, इसका नहीं जिसने नफरत को ही अपनी मंजिल बना रखी है। और तब तक तुझे अपना सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। जानते हैं शौर्य, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जिस राह को तूने चुना है उसमें तुझे दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तेरा भाई होना मेरे मन से हमेशा तेरे लिए दुआएं निकलेगी। चलता हूं शौर्य, चलता हूं, अपना ख्याल रखना भाई। शमिता, इतने पैसों में आखिर कब तक घर का खर्च चलेगा? मुझे बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करने होंगे। तलाश करनी होगी, थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास लेकिन वो पैसे भी आखिर कब तक काम आएंगे? आने वाले पूरे वक्त के लिए कमाई का
कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा और उसकी शुरुआत मैं आज से कर रहा हूं, इसलिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। भगवान मेरे बच्चों को कामयाबी दे, उनका साथ दे, सच कहूं उनका साथ दे, सच कहूं मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती हूं, तुम लोगों की मदद करना चाहती हूं, पर अब इस उम्र में मुझे किसी कंपनी में कोई नौकरी कैसे देगा? नहीं मां, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे परिवार के लिए मुश्किल वक्त जरूर आया है, लेकिन इतने बुरे दिन भी नहीं आए मां कि आपके बड़े बेटे के होते हुए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। मां आप बहुत काम कर चुके, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और मां आपके इस बड़े बेटे के होते हुए आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं अजय, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। नहीं भैया, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन मुझे भी अपने फर्ज पूरा करने का मौका दीजिए। मैं अपने परिवार के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन कम से कम इतनी कोशिश तो कर ही सकता हूं।
बोल रही थी पानी मत डाल मत डाल, देख आटे की जगह हलवा बन गया है। मैंने मैंने रोटी बनाने का डिपार्टमेंट क्यों लिया, मैं सब्जी भी तो बना सकती थी। तू भी ना तारा पूरी पागल है। कोई बात नहीं मैं बना दूंगी रोटी, पर जब आंटी से सीख लूंगी तब। सीख लूंगी? सीख लूंगी मतलब तूने कहा था कि तेरे को सारा खाना बनाना आता है। तू भी ना तारा इसमें क्या प्रॉब्लम है, पानी डालो और तैयार हो गया, ये तो बच्चों को भी आता है। मेरी माँ पानी डालो लेकिन कितना पानी डालना है ये कौन बताएगा? तुझे क्या लगता है बस तू ही प्रॉब्लम है? प्यास के चक्कर में मैंने भी कमा सुनी पाए हैं। अच्छा ये देख ये सही है ना, इतना ठीक कटर नहीं, इतना सारा प्याज प्याज की सब्जी बना रही है क्या? अच्छा ठीक है रिलैक्स ना, सॉरी बहुत रिलैक्स। मैंने ये डिपार्टमेंट लिया है क्यों, और ऊपर से ये स्टोव चलने का नाम ही ले रहा है। तुम दोनों क्या कर रही हो? और नताशा तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? ये इन प्याज के आंसू हैं। और भाभी ये आटा। वेरी गुड, तुम दोनों एक काम करो यहाँ से निकलो बाहर, ये सब मैं ठीक करती हूँ। भाभी आपको हमारे हमारे दिन की बात कैसे पता चली? क्या दिव्यानी तुम्हें ये सब करने आता है? कहाँ से सीखा, कैसे सीखा ये सब तुमने? बचपन में माँ से सीखा था। बचपन में? बचपन में मैंने तो किचन की शक्ल भी नहीं देखी थी, आई मीन मैंने किचन में पैर भी नहीं रखा था। हाँ वो अलग बात है कि मुझे खाना बनाने अभी भी नहीं आता। नताशा जिंदगी सबको एक जैसी नहीं मिलती, हालात ने मुझे तो बचपन को जीनी ही नहीं दी, और ऐसे में इंसान अपनी खुशियों से समझौता करना जल्दी ही सीख जाता है, और खास करके जब उसका घर सिर्फ एक कमरा और चार दीवारी हो और आने वाली सुबह का कोई पता ही ना हो। मेरा भी घर बस ये एक कमरा और उसके कोने में एक किचन बस। अरे मैं बस तुम लोगों को पता नहीं क्या क्या बोल गई। अरे इट्स ओके भाभी, कोई बात नहीं, चलो तुम लोग जाओ, मैं सब ठीक कर लेती हूँ। आई मीन आर यू श्योर कि तुम्हें हम लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी? आई एम डैम श्योर। अब तुम लोग जाते हो या फिर मैं जाऊँ? तुम लोग थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा घर है मां, अब तुम इस घर में आ गई हो, अब देखना मैं बहुत जल्द तुम्हारी बहू को फिर से घर में लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो।
एडवांस्ड पाउडर प्रस्तुत करते हैं स्त्री।